हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी कार का एसी किस तरह इस्तेमाल करें जिससे आपको मैक्सिमम कूलिंग मिले और आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़े। सो ये गाड़ी है ह्यूंडई की मॉडल ईऑन ईरा प्लस, जिसका माइलेज कंपनी देती है 20 किलोमीटर, 20.1, और एक्चुअली मुझे मिल रहा है अबाउट 18 विथ एसी ऑन हाईवे एंड ऑलमोस्ट 16 ऑन सिटी रोड्स। सो ये आप देख रहे हैं एसी के एडजस्टमेंट बटन्स है, ये हीट का है, हीट की ओर जाता है फुल, और ये फुल कोल्ड की तरफ जाता है। और ये है फैन ब्लोअर 1 से लेके 4 नंबर तक। और ये है एसी का बटन, आप जैसे ही एसी स्टार्ट करते हो कंप्रेसर चालू हो जाता है, एसी का बटन चालू होता है, भले आप 1 नंबर पर रखो या 4 नंबर पे। आपको कूलिंग बेटर 2 नंबर पे मिलेगी मेरे हिसाब से। और ये बटन जो है ये एयर फ्लो कंट्रोल करता है, ये वाला है इनसाइड की तरफ और ये वाला है आउटसाइड फ्लो। और ये वाला जो है ये इन अंदर की ओर ही सर्कुलेट करेगा एयर, और ये समर्स के लिए अच्छा है। मैक्सिमम कूलिंग के लिए आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए, ये वाला सिलेक्शन या फिर ऊपर वाला सिलेक्शन ड्यूरिंग समर्स, और ड्यूरिंग रेनी सीज़न जो अब बरसात आने वाली है आप बाहर के फ्लो सेलेक्ट कीजिए, और ये वाला जो निशान है, ये वाला जो आइकन है जिससे कि एयर फ्लो विंडशील्ड की तरफ जाता है, वो वाला इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिफॉगर इफेक्ट मिले ऑन द विंडस्क्रीन। अब बात करते हैं कूलिंग के बारे में। तो आप एक पर रखें या दो पर रखें, आपको मैक्सिमम कूलिंग मिलेगी, 4 पर रखने से उतना ही ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं एसी वेंट्स की। आप एसी वेंट्स को इस तरह रखिए जबकि पूरा ये रूफ़ के तरफ फेस करे, और ऐसे मत रखिए नीचे जाके आप डायरेक्टली फ्लो आएगा। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपनी गाड़ी के एसी से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।